तो हम ऐसे ही नहीं कहते कि चुनाव मतलब एबीपी गंगा, हम हर सीट का विश्लेषण आपको दिखाते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की किन सीटों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पहले बात होगी पश्चिमी यूपी के बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट की, जिस पर किसान आंदोलन की वजह से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। वहीं हम आजमगढ़ की भी बात करेंगे, अतरौलिया सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो लंबे अरसे से सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है, सपा का यहां पर झंडा लहराता है। तो आज हम बात करेंगे बागपत की छपरौली विधानसभा सीट का, जो किसान आंदोलन की वजह से बेहद खास हो गई। जाट बाहुल्य सीट को लंबे अरसे से राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2017 में इस सीट से जीते रालोद विधायक का भाजपा का दामन थाम चुके हैं। क्या है इस सीट का पूरा सियासी गुड़ा भाग आपको समझाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 50। वैसे तो ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2007, 2012 और 2017 में इस सीट से रालोद उम्मीदवार ने ही जीत दर्ज की। हालांकि 2017 में रालोद से विधायक बने सहेंद्र सिंह ने पाला बदल लिया और अब वो भाजपा के साथ है। छपरौली विधानसभा से जुड़े वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ा मसला किसान आंदोलन का, जिसे लेकर इस सीट पर सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ। वही माना जा रहा कि अगर किसान आंदोलन का मुद्दा चुनाव के करीब तक हावी रहा तो इस सीट पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है।